नमस्कार। आज हम NCERT द्वारा कक्षा 12 के लिए निर्धारित रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के प्रथम भाग में आवर्त सारणी के डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने के बाद प्रथम डी श्रृंखला के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भौतिक गुण, परमाणवीय एवं आयनिक त्रिज्या तथा आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आवर्त सारणी में डी तथा एफ ब्लॉक तत्वों की स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। संक्रमण तथा अंतः संक्रमण, जिनको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, यानी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड विभव के संदर्भ में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के तुलनात्मक स्थायित्व का महत्व समझेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा पोटेशियम परमैंगनेट जैसे महत्वपूर्ण यौगिकों का विरचन, गुण, संरचना तथा उपयोग पढ़ेंगे। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण तथा इनमें क्षितिज प्रवृत्ति व वर्ग की सामान्य प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे। एफ ब्लॉक के तत्वों के गुण तथा लेंथेनाइडों एवं एक्टिनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था एवं रासायनिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आवर्त सारणी के बारे में आप जानते हैं। आवर्त सारणी के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ये डी ब्लॉक आप देख रहे हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहाँ दिया गया है और एफ ब्लॉक के तत्व नीचे अलग रखे गए हैं जो दो आवर्त में हैं और इनका विन्यास भी यहाँ दिया गया है। अगर आवर्त सारणी हम देखें तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, डी ब्लॉक के तत्व आप देख रहे हैं बीच में, एफ ब्लॉक के तत्व नीचे अलग से रखे गए हैं। आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड सभी संक्रमण तत्वों में आते हैं। ये है आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिन्होंने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंतरिक संक्रमण तत्व जैसे थोरियम, प्रोटेक्टेनियम और यूरेनियम आधुनिक काल में नाभिकीय ऊर्जा के श्रेष्ठ स्रोत सिद्ध हो रहे हैं। अनेक बहुमूल्य धातुएं जैसे सिल्वर, गोल्ड तथा प्लेटिनम और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण धातुएं जैसे आयरन, कॉपर तथा टाइटेनियम सभी संक्रमण धातुएं हैं। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 के तत्व आते हैं, जिसमें चारों दीर्घ आवर्तों में डी कक्षक भरे जाते हैं। ये तीसरा वर्ग है और ये 12 वर्ग है, नंबर 12। इनके बीच में 3 से 12 के बीच में डी ब्लॉक के तत्व हैं और ये आवर्त आप देख रहे हैं दीर्घ आवर्त, इसलिए क्योंकि इसमें पूरा आवर्त भरा हुआ है, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां आवर्त। एफ ब्लॉक के तत्व वे हैं जिनमें दीर्घ आवर्तों में 4F तथा 5F कक्षक उत्तरोत्तर भरे जाते हैं। इन्हें आवर्त सारणी के नीचे एक अलग खंड में रखा गया है। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः संक्रमण एवं आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं, यानी डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उन्हें संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। वर्ग 12 के जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण धातु नहीं माना जाता है, क्यों, एक ये प्रश्न है। मूल रूप से संक्रमण धातु नाम इस तथ्य से आया कि इनके रासायनिक गुण एस तथा पी ब्लॉक के बीच परिवर्ती होते हैं, जैसा आपने अभी देखा था कि डी ब्लॉक एस और पी के बीच में है। अब IUPAC के अनुसार संक्रमण धातुओं को ऐसी धातुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके परमाणु अथवा आयन में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, यानी अपूरित होते हैं। वर्ग 12 के जिंक, कैडमियम तथा मरकरी में उनकी मूल अवस्था तथा उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो +2 मानी जाती है में पूर्ण D10 विन्यास है और इसलिए इन्हें संक्रमण धातु नहीं माना जाता। फिर भी क्योंकि ये 3D, 4D और 5D संक्रमण श्रेणियों के अंतिम सदस्य हैं,
इसलिए इनके रसायन का अध्ययन संक्रमण धातुओं के रसायन के साथ किया जाता है। इनके परमाणुओं में आंशिक रूप से भरे हुए डी या एफ कक्षक होते हैं जो संक्रमण तत्वों को असंक्रमण तत्वों से अलग कर देते हैं, इसलिए संक्रमण धातुओं और उनके यौगिकों का अध्ययन अलग से किया जाता है। फिर भी संयोजकता का सामान्य सिद्धांत जो असंक्रमण तत्वों पर लागू होता है संक्रमण तत्वों पर भी सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है। यहाँ हम संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता तथा सामान्य गुण देखेंगे। मेनली हम प्रथम डी श्रेणी यानी 3D सीरीज के तत्वों के गुणों के बारे में जानेंगे तथा उनके कुछ प्रमुख यौगिकों के विरचन व गुणों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद अंतः संक्रमण धातुओं के सामान्य गुण जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर विचार करेंगे। यहाँ आप ये भी जानें कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनके परमाणुओं में बाह्यतम से अंदर वाले जिसको पेनल्टीमेट शेल कहते हैं या उपांतिम शेल कहते हैं उनमें डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और इस प्रकार संक्रमण धातुओं की चार पंक्तियाँ यानी चार श्रेणियाँ 3D, 4D, 5D और 6D प्राप्त होती है। संक्रमण तत्वों की मुख्य रूप से जैसा अभी बताया चार श्रेणियाँ हैं। पहली है 3D श्रेणी जो स्कैंडियम से जिंक तक होती है। दूसरी 4D श्रेणी जो इट्रियम से कैडमियम तक होती है। तीसरी जो है वो 5D श्रेणी कहलाती है जो लेंथेनम एवं हैफनियम से मरकरी तक है। 6D श्रेणी जिसमें एक्टिनियम तथा रदरफोर्डियम से कॉपरनीशियम तक तत्व आते हैं। और जो नीचे एफ ब्लॉक की दो श्रेणियां हैं पहली है 4F वो सीरियम से लुटेशियम तक लेंथेनाइट्स कहलाते हैं और 5F श्रेणी जिसमें थोरियम से लॉरेंशियम तक तत्व हैं एक्टिनाइट्स कहलाते हैं। ये प्रथम श्रेणी है जिसमें स्कैंडियम से जिंक तक के तत्व हैं। 21 परमाणु क्रमांक से लेके 30 तक परमाणु क्रमांक है इनका। दूसरी जो श्रेणी है 4D श्रेणी जिसको कहते हैं वो इट्रियम से कैडमियम तक है यानी 39 से लेके 48 तक है। तीसरी श्रेणी जो है वो लेंथेनम से मरकरी तक है लेकिन यहाँ बीच में लेंथेनाइट्स आ जाते हैं इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ परमाणु क्रमांक में अंतर आ रहा है, 57 के बाद 72 आ गया है, यहाँ पर लेंथेनाइट तत्व आ जाएंगे। और इसी प्रकार चौथी श्रेणी में यहाँ एक्टिनाइट्स आएंगे एक्टिनियम के बाद में 89 के बाद में और लास्ट में कॉपरनीशियम है 112 जिसका परमाणु क्रमांक है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। प्रथम श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1D1210 NS122 ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और इन कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होने के कारण यानी N-1D और NS कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। इस कारण इस सामान्य नियम के बहुत सारे अपवाद भी हैं। सामान्य नियम क्या है कि इनमें इलेक्ट्रॉन इसी क्रम में भरा जाना चाहिए लेकिन उसके अपवाद भी यहाँ देखने को मिलते हैं और उसका कारण है अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व का होना। जैसे यहाँ पर आप देखें कि स्कैंडियम से शुरू करें अगर इसका परमाणु क्रमांक 21 है तो इसमें 3D1 4S2 फिर टाइटेनियम में 3D2 4S2 है, वेनेडियम में 3D3 4S2 है। अब क्रोमियम में आप यहाँ देख रहे हैं क्रोमियम का विन्यास 3D4 4S2 होना चाहिए लेकिन क्योंकि 3D और 4S की ऊर्जा में कम अंतर होता है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन 4S से 3D में चला जाता है तो इसका विन्यास 3D5 4S1 हो जाता है। अब मैंगनीज की बात करें तो इसमें 3D5 4S2 विन्यास है, आयरन में 3D6 4S2 है, कोबाल्ट में 3D7 4S2 है, निकल में 3D8 4S2 है। अब कॉपर में ध्यान दीजिएगा 3D9 4S2 होना चाहिए जैसा इधर दिख रहा है आपको लेकिन वो विन्यास क्या होता है 3D10 4S1 होता है और जिंक में 3D10 4S2 विन्यास है। तो यहाँ पर 3D और 4S की ऊर्जाओं में कम अंतर के कारण स्थायित्व वाला विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। अब स्थायित्व वाला विन्यास कौन सा है 3D5 जो क्रोमियम में है और 3D10 जो कॉपर में है ये विन्यास प्राप्त
कर लेते हैं। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा कि क्रोमियम और कॉपर इसके अपवाद हैं, सामान्य नियम के अपवाद हैं। अभी हमने जाना कि संक्रमण तत्व एवं अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं। इनकी आवर्त सारणी में स्थिति एवं प्रथम डी श्रेणी या 3D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझा। इनमें अपूरित डी कक्षक होने के कारण इनमें कई गुण देखे जाते हैं। आइए अब इनके बारे में जानें। आंशिक रूप से भरे डी कक्षकों के कारण ये तत्व कुछ अभिलाक्षणिक गुण दर्शाते हैं, जैसे अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रंगीन आयनों का बनना तथा अनेक प्रकार के लिगेंडों के साथ संकुल निर्माण आदि। संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण व अनुचुंबकीय व्यवहार भी दर्शाते हैं। असंक्रमण तत्वों यानी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के विपरीत संक्रमण तत्वों के गुणों में क्षितिज समानताएं अधिक पाई जाती हैं, तथापि कुछ वर्ग समानताएं भी पाई जाती है। सबसे पहले हम इनके सामान्य गुणों तथा उनका 3D श्रृंखला में परिवर्तन देखेंगे। लगभग सभी संक्रमण तत्व अभिधात्विक गुण जैसे उच्च तनन सामर्थ्य यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ, तन्यता डक्टिलिटी, वर्धनीयता मेलेबिलिटी, उच्च तापीय तथा विद्युत चालकता, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एवं धात्विक चमक मेटेलिक लश्चर दर्शाते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी तथा मैंगनीज जैसे अपवादों को छोड़कर सामान्य ताप पर इनकी एक या अधिक प्रारूपिक धात्विक संरचनाएं होती है। संक्रमण धातुओं की विभिन्न जालक संरचनाओं को आइए आगे वाली स्लाइड में हम देखते हैं। संक्रमण धातुएं अति कठोर तथा अल्प वाष्पशील होती हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी अपवाद हैं और इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। यहाँ पर जो संरचनाएं लिखी हुई हैं, काय केंद्रित घनीय BCC, षटकोणीय निबिड़तम संकुलन HCP, घनीय निबिड संकुलन CCP और विशेष धात्विक संरचना को क्रॉस से दर्शाया गया है, जो जिंक, कैडमियम, मरकरी में आप देख रहे हैं और मैंगनीज में आप देख रहे हैं। इस चित्र में आप तीनों डी श्रृंखलाओं में गलनांक परिवर्तन को देख रहे हैं। उच्च गलनांक का कारण अंतरा परमाण्विक धात्विक बंधन में NS इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त N-1 डी कक्षकों के अधिक इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी है। अभी आपने देखा था कि NS इलेक्ट्रॉन के अलावा जो बाह्यतम से अंदर वाला कोष होता है, जिसको N-1 डी कक्षक कहते हैं, उनकी भी भागीदारी होती है इसमें। मैंगनीज तथा टेक्नीशियम के अपवादों को छोड़कर, ये मैंगनीज और ये टेक्नीशियम, इनको छोड़कर किसी भी श्रेणी में धातुओं के गलनांक D5 विन्यास पर अधिकतम होते हैं, यानी अधिकतम इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। D5 विन्यास का मतलब उसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं जो अधिकतम होते हैं, तथा बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के साथ गलनांकों में नियमित रूप से कमी आती है, या आप नियमित रूप से कमी भी देख रहे हैं। प्रत्येक श्रेणी के लगभग मध्य में उच्चतम मान, किसका उच्चतम मान? कणन एंथैल्पी का, जिसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। इस तथ्य को दर्शाता है कि प्रबल अंतरा परमाण्विक अन्योन्य क्रिया यानी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन के लिए प्रति डी कक्षक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना विशेष रूप से अनुकूल है। सामान्यतः संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही प्रबल बंधन यानी बॉन्डिंग होगी। चूंकि धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉन विभव के निर्धारण में कणन एंथैल्पी एक महत्वपूर्ण कारक है, अतः बहुत उच्च कणन एंथैल्पी यानी बहुत उच्च क्वथनांक, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाली धातुओं की प्रवृत्ति अभिक्रियाओं में उत्कृष्ट नोबल रहने की होती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की तुलना में द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के तत्वों की कणन एंथैल्पी के मान अधिक होते हैं। यह इंगित करता है कि भारी संक्रमण धातुओं के यौगिकों में धातु धातु बंध
यानी मेटल मेटल बॉन्ड बहुत फ्रिक्वेंटली बनते हैं। ये श्रेणी प्रथम के लिए है और ये द्वितीय श्रेणी के लिए और ये तीसरी श्रेणी के लिए वक्र दर्शाया गया है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक श्रृंखला में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्याओं में कमी आती है। इसका कारण है कि जब भी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हर बार डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव यानी शील्डिंग इफेक्ट कम प्रभावशाली होता है, अतः नाभिकीय आवेश तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच नेट विद्युत आकर्षण में वृद्धि हो जाती है, जिससे आयनिक त्रिज्या का मान घट जाता है। यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश थोड़ा बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट कम प्रभावशाली होता है जिससे आकार घट जाता है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति किसी श्रेणी में परमाणु त्रिज्याओं में भी देखी जाती है, परंतु श्रेणी में त्रिज्याओं के मानों में यह परिवर्तन बहुत थोड़ा होता है। जब किसी विशेष संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार की तुलना दूसरी श्रेणी के संगत तत्वों के आकार से की जाती है तो हमें रोचक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसा अभी आपने वक्र देखा कि एक ही वर्ग के 4D और 5D तत्वों का आकार लगभग समान है, ऐसा 4F कक्षकों के बीच में आने के कारण होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन 5D श्रेणी के तत्वों के D कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले भरते हैं, यानी 4F 5D से पहले भरता है। 5D कक्षकों के पूर्व 4F कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति के कारण परमाणु त्रिज्याओं में नियमित कमी होती है, जिसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं, जो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणवीय आकार में होने वाली संभावित वृद्धि की क्षतिपूर्ति यानी उसको कंपनसेट करता है और उसे बराबर कर देता है। लेंथेनाइड आकुंचन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या प्रभाव होता है, इसको हम एक उदाहरण लेकर देखते हैं। 4D सीरीज के जिरकोनियम 40 की त्रिज्या 160 पिकोमीटर और उसके वर्ग के हैफनियम जिसका परमाणु क्रमांक 72 होता है की त्रिज्या 159 PM यानी पिकोमीटर लगभग समान है। जिरकोनियम की 160 PM और हैफनियम की 159 PM जो लगभग बराबर है, और इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता पाई जाती है, जो अपेक्षित समानता से भी यानी एक्सपेक्टेड सिमिलरिटी से भी बहुत अधिक होती है। ऐसा लेंथेनाइड आकुंचन के कारण देखा जाता है। लेंथेनाइड आकुंचन के लिए उत्तरदायी कारक लगभग वही हैं जो एक सामान्य श्रेणी के लिए देखा जाता है तथा समान कारण के लिए उत्तरदायी है, अर्थात एक ही सेट के कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर अपूर्ण आवरण प्रभाव इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट ये कारण है, परंतु एक 4F इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर शील्डिंग इफेक्ट एक D इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे D इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग प्रभाव की तुलना में कम होता है। और जैसे जैसे एक श्रेणी में नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, सभी 4FN कक्षकों के आकार में नियमित कमी आती है, यानी आकार नियमित रूप से घटता जाता है। ये पहली श्रृंखला में आप देख रहे हैं, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक त्रिज्या में कमी के साथ परमाणविक द्रव्यमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप इन तत्वों के घनत्व में प्राय वृद्धि होती है, जो टाइटेनियम 22 से कॉपर 29 तक आप देख सकते हैं। ये देखिए घनत्व में वृद्धि हो रही है, टाइटेनियम में 4.1 है, बढ़ते बढ़ते ये कॉपर तक 8.9 हो जाता है। ये घनत्व में वृद्धि को आप देख रहे हैं। इसके बारे में अभी आप जान चुके हैं, इनके परमाणु में बड़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। संक्रमण तत्व कणन एंथैल्पी के उच्च मान क्यों दर्शाते हैं, इसके बारे में अभी आपने जाना था। इनके परमाणु में बड़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनमें प्रबल अंतरा परमाणविक अन्योन्य क्रिया होती है, अतः परमाणुओं के बीच प्रबल बंधन के फलस्वरूप कणन एंथैल्पी उच्च होती है। तो आपने अभी देखा
कि डी ब्लॉक तत्वों के भौतिक गुण क्या हैं, उनकी जालक संरचनाएं कैसी होती है, इन तत्वों की कणन एंथैल्पी उच्च होती है, परमाणुवीय आकार की श्रेणी एवं वर्ग में तुलना भी आपने देखी, आपने लैंथेनाइड संकुचन को समझा। अब हम आयनन एंथैल्पी के बारे में जानेंगे। आंतरिक डी कक्षकों के भरने के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है, जैसा आप इस सारणी में देख रहे हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की प्रथम तीन आयनन एंथैल्पियों के मान आपके सामने हैं। इन मानों से स्पष्ट है कि इन तत्वों की क्रमिक एंथैल्पी में वैसी तीव्र वृद्धि नहीं होती जैसी कि असंक्रमण तत्वों में, यानी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन असंक्रमण तत्वों की श्रेणी से कम होता है। सामान्यतः प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है, परंतु उत्तरोत्तर तत्वों की द्वितीय एवं तृतीय आयनन एंथैल्पी के मानों में हुई वृद्धि का परिमाण सामान्यतः बहुत अधिक होता है। 3D श्रेणी की धातुओं की प्रथम आयनन एंथैल्पी की अनियमित वृद्धि का कोई खास रासायनिक महत्व नहीं है, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ वेनेडियम की 650 है, क्रोमियम की 653 है, मैंगनीज की 717 है, फिर आप यहाँ देखेंगे तो कोबाल्ट की 758 और फिर निकल की 736 किलो जूल पर मोल है, और कॉपर में फिर ये 745 किलो जूल पर मोल है। तो इनका कोई खास रासायनिक महत्व नहीं है, फिर भी ये स्पष्टीकरण दिया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने से 4s तथा 3d कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है। हमने पढ़ा है कि जब डी ब्लॉक के तत्व आयन बनाते हैं तो ns इलेक्ट्रॉन n-1 इलेक्ट्रॉनों से पहले निकलते हैं। हम जैसे जैसे 3d श्रृंखला के आवर्त में बढ़ते हैं तो स्कैंडियम से जिंक की ओर जाने पर नाभिक का आवेश बढ़ता है, परंतु इलेक्ट्रॉन आंतरिक उपकोष के कक्षक यानी 3d कक्षक में जाते हैं। ये 3d इलेक्ट्रॉन 4s इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए नाभिक आवेश से उस स्थिति के मुकाबले कुछ अधिक प्रभावी ढंग से परिरक्षित कर सकते हैं, जिसमें बाह्य इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को परिरक्षित करते हैं। अतः परमाणविक त्रिज्या कम तेजी से घटती है, इसलिए 3D श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनी ऊर्जा में मामूली वृद्धि होती है। दो या अधिक धन आवेश वाले आयनों का विन्यास DN होता है तथा 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सामान्यतः ऐसी अपेक्षा की जाती है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि एक डी इलेक्ट्रॉन दूसरे डी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आवेश के प्रभाव से परिरक्षित यानी शील्डिंग नहीं करता, और इसका कारण डी कक्षकों की दिशा का भिन्न होना है। यद्यपि द्वितीय एवं तृतीय आयनन एंथैल्पी में निरंतर वृद्धि का क्रम मैंगनीज 2+ और Fe3+ आयन बनने में टूट जाता है, दोनों में ही आयनों का विन्यास आप जानते हैं D5 है। इसी प्रकार का क्रम बाद की संक्रमण श्रृंखलाओं के संगत तत्वों में भी देखा जाता है। आयनन एंथैल्पी का मान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के नाभिक की ओर आकर्षण, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण और विनिमय ऊर्जा पर निर्भर करता है, यानी इन तीन कारकों पर निर्भर करता है। ऊर्जा स्तर के स्थायित्व के लिए विनिमय ऊर्जा यानी एक्सचेंज एनर्जी उत्तरदायी होती है। विनिमय ऊर्जा डीजनरेट यानी समान ऊर्जा के कक्षकों में पैरेलल स्पिन के कुल संभव पेयर्स के लगभग समानुपाती होती है। जब डीजनरेट यानी समान ऊर्जा के कक्षकों में अनेक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो निम्नतम ऊर्जा वाला स्तर वह होता है जिसमें अधिकतम कक्षकों में समानांतर चक्रण यानी पैरेलल स्पिन वाले
एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हुंड का नियम आप जानते ही हैं। विनिमय ऊर्जा की कमी होने से स्थायित्व बढ़ता है और स्थायित्व बढ़ने से आयनन कठिन हो जाता है। D6 विन्यास में विनिमय ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। Mn प्लस आयन का विन्यास 3D5 4S1 और Cr प्लस आयन का विन्यास 3D5 है। अतः Mn की एंथैल्पी क्रोमियम से यानी मैग्नीज की एंथैल्पी क्रोमियम से कम होती है। इसी प्रकार से Fe2 प्लस का विन्यास 3D6 है और Mn2 प्लस का विन्यास 3D5 है। अतः Fe2 प्लस की एंथैल्पी Mn2 प्लस से कम है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आयरन की तृतीय आयनन एंथैल्पी यानी Fe की तृतीय आयनन एंथैल्पी मैंगनीज से कम है। इन धातुओं की निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। गैसीय अणुओं से M2 प्लस आयन बनाने हेतु कणन एंथैल्पी के साथ साथ प्रथम एवं द्वितीय आयनन ऊर्जाओं की भी आवश्यकता होती है। प्रमुख पद द्वितीय आयनन एंथैल्पी है, जिसका मान क्रोमियम और कॉपर के लिए अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा होता है, जिनमें M प्लस आयनों का क्रमशः D5 तथा D10 विन्यास होता है, जो स्थायी विन्यास होता है। जिंक के लिए संगत मान कम होता है, क्योंकि आयनन हेतु एक 1s इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिससे स्थायी D10 विन्यास प्राप्त होता है। तृतीय आयनन एंथैल्पी में प्रवृत्ति 4s कक्षक के कारक द्वारा जटिल नहीं बनती और D5, Mn2 प्लस तथा D10, जिंक 2 प्लस से एक इलेक्ट्रॉन हटाने में अधिक कठिनाई प्रदर्शित होती है। सामान्यतः तृतीय आयनन एंथैल्पी पर्याप्त उच्च है। कॉपर, जिंक और निकिल की तृतीय आयनन एंथैल्पी के उच्च मान जो आप देख रहे हैं, ये इंगित करते हैं कि क्यों इन तत्वों की +2 से उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करना कठिन है। यद्यपि आयनन एंथैल्पियाँ ऑक्सीकरण अवस्थाओं के तुलनात्मक स्थायित्व से संबंधित कुछ मार्गदर्शन देती हैं, फिर भी ये समस्या बहुत जटिल है। आज हमने प्रथम डी श्रेणी के तत्वों के सामान्य गुण, उनके परमाणवीय आकार एवं आयनन एंथैल्पी और उनका आवर्त में क्रमिक परिवर्तन समझा। अगले भाग में अन्य गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। मिलेंगे अगले भाग में। नमस्कार।